मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इट ग्रेड सिक्स चैप्टर 12 डे 35। ग्रेड सिक्स के चैप्टर 12 में है इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। इलेक्ट्रिसिटी इज ए यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ। वी यूज इलेक्ट्रिसिटी टू मेक आवर वर्क इजियर। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ यूज टू रन पंप दैट लिफ्ट वाटर फ्रॉम ग्राउंड टू रूफ टॉप टैंक। It is also needed for functioning of televisions, computers, refrigerators and air conditioner, electric fans, electric bulbs, etc. Electricity is used for lighting. We get electricity from power stations. अब electricity हमारे life में कितना use में आता है, ये सब बता रखे हैं कि अगर हम pump चलाते हैं तो ground floor से ऊपर तक tank में पानी आ जाते हैं अपने आप ही। देन हम टेलीविज़न चलाते हैं, रेफ्रिजरेटर चलाते हैं, एयर कंडीशनर चलाते हैं, ये सब इलेक्ट्रिसिटी के यूज़ से ही हम सब यूज़ में लेते हैं। समटाइम्स वी यूज़ ए टॉर्च टू सी एट नाइट। व्हेन वी स्विच ऑन द टॉर्च द बल्ब ग्लो। हाउ डज ए बल्ब ग्लो? द इलेक्ट्रिकल सेल्स आर दैट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन एन इलेक्ट्रिक टॉर्च। दे सप्लाई इलेक्ट्रिक एनर्जी टू द बल्ब इन ए इलेक्ट्रिक टॉर्च व्हेन द स्विच इज प्रेस्ड। अब इसमें बता रखा है कि जैसे हम हर कोई चीज़ इलेक्ट्रिसिटी से ही यूज़ करके करते हैं, वैसे ही एक टॉर्च हम जलाते हैं रात को जब अंधेरा रहता है, तो उसमें टॉर्च में लाइट कैसे आती है? जो उसके अंदर सेल रहते हैं वही उसके सोर्स रहता है लाइट के। इलेक्ट्रिक सेल्स, इलेक्ट्रिक सेल्स आर कॉमन सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी फॉर मैनी इक्विपमेंट्स। इलेक्ट्रिकल सेल्स आर यूज टू ट्रांजिस्टर, कैलकुलेटर, रिस्ट वॉचेस, रिमोट्स, टॉयज, क्लॉक्स, कैमराज, वीडियो गेम्स एक्सेट्रा। ड्राई सेल, ऑल इलेक्ट्रिक सेल हैव टू टर्मिनल, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इन ए ड्राई सेल द टिप ऑफ सेल द मेटलिक एक्ट एज ए पॉजिटिव टर्मिनल एंड बेस ऑफ द जिंक कंटेनर एक्ट एज ए नेगेटिव टर्मिनल। अब हम देखते हैं कि ये जो सेल होते हैं इसमें क्या होता है, एक पॉजिटिव टर्मिनल रहते हैं और एक नेगेटिव। जिधर की तरफ टॉप ये टिप रहता है ये तो पॉजिटिव रहता है, और जो नीचे की तरफ रहते हैं ये नेगेटिव टर्मिनल रहते हैं। When we can connect the positive and negative terminal of the cell with the help of metal wire, the current flow through it. अब हम जब दोनों negative और positive को जोड़ के कोई तार लगाते हैं तो उसमें क्या होता है, बल्ब जलने लग जाता है। An electric cell contain chemical inside it. These chemicals are used by cell to produce electricity. When the chemical in the electricity cell are used up, the electric cell stop producing electricity and then has to be replaced with a new one. Electric cells are of different types. For example, a pencil cell is used in an electric clock, or ordinary cell is used in a toy, or a button cell is used to वॉच एंड वीडियो गेम्स। अब इसमें बता रखा है कि इलेक्ट्रिक सेल जो है बहुत डिफरेंट टाइप के होते हैं। एक पेंसिल सेल्स होते हैं जो इलेक्ट्रिक क्लॉक में लगते हैं, एंड ऑर्डिनरी सेल्स होते हैं जो टॉयज एंड बटन सेल्स में और वॉचेस में लगते हैं। बटन सेल्स ये छोटे छोटे होते हैं, ऑर्डिनरी सेल्स ये बड़े होते हैं, और पेंसिल सेल्स पता है आपको ये सब अलग अलग तरीके के सेल्स होते हैं। ए सेल इज ए सिग्नल सिंगल यूनिट वेयर्स टू और मोर सेल्स कनेक्टेड एंड टू एंड इज कॉल्ड ए बैटरी। इलेक्ट्रिक बल्ब, एन इलेक्ट्रिक बल्ब और ए टॉर्च बल्ब हैज एन आउटर केस मेड ऑफ ग्लास दैट इज फिक्स्ड ऑन ए मेटेलिकल बेस। द थिन वायर दैट गिव्स ऑफ लाइट इज कॉल्ड द फिलामेंट ऑफ द बल्ब। इट इज मेड ऑफ एंड फिक्स्ड और टू थिक वायर्स दैट गिव सपोर्ट टू द सोन एज फिगर 12.4। वन ऑफ दिस थिक वायर इज कनेक्टेड टू द मेटल केस ऑफ द बेस ऑफ द बल्ब। द अदर थिक वायर इज कनेक्टेड टू द मेटल टिप एट द सेंटर ऑफ द बेस। अब हम देख रहे हैं कि ये बल्ब में क्या क्या रहते हैं और ये टॉर्च से कैसे बल्ब जलते हैं। ये जब एक तार इसके जो नीचे होता है बेस रहता है इसके अंदर लगा के और सेल में लगाते हैं तो हमारे बल्ब जलने लग जाता है। द मेटल टिप एट द सेंटर ऑफ द बेस एंड द मेटल केस एज इट्स लोअर एंड एक्ट एज टर्मिनल ऑफ द बल्ब। दिस टू टर्मिनल ऑफ द बल्ब आर फिक्सड इन सच ए वे दैट दे डू नॉट टच ईच अदर। अब एक दूसरे को टच नहीं होते। वेन एन इलेक्ट्रिक करेंट इज पास्ट थ्रो द फिलामेंट ऑफ द बल्ब द फिलामेंट्स बिकम हॉट एंड गिव्स लाइट।
टू लाइट अप ए बल्ब विथ एन इलेक्ट्रिक सेल थिंग नीडेड टू प्लास्टिक कोटेड कॉपर वायर्स एंड इलेक्ट्रिक सेल्स ए बल्ब एंड एन इंसुलेटेड प्लास्टिक कोटेड टेप मेथड टेक टू प्लास्टिक कोटेड कॉपर वायर्स विद द हेल्प ऑफ एन एडल्ट रिमूव द एंड ऑफ द ईच कॉपर वायर सो एज द एक्सपोज द बेयर वायर फिक्स द एक्सपोज पार्ट ऑफ द टू वायर्स टू द सेल नाउ कनेक्ट द अदर एंड ऑफ द फर्स्ट वायर टू द पॉजिटिव टर्मिनल एंड सेकेंड वायर टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल्स बाई पुटिंग एन इंसुलेटिंग प्लास्टिक टेप एज शोन इन पोजिशन सी एंड डी इन फिगर 12.5. What do you observe? अभी इसमें बता रखा है यू कैन यूज़ ए बल्ब होल्डर टू फिक्स बल्ब एंड द वायर इज ऑन. अभी इसमें क्या कर रखा है टॉर्च एक सेल ले लिए सेल में जो नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल है और नेगेटिव है ये दोनों को क्या कर रखे है जोड़ के और बल्ब के एक तो बेस में लगा दिए और एक ऊपर लगा दिए तो देखे क्या ये इलेक्ट्रिक बल्ब क्या करने लग गया लाइटिंग ऑफ ए बल्ब कैसे जलने लग जाते हैं. एक्टिविटी टू टू कनेक्ट एन इलेक्ट्रिक बल्ब विथ एन इलेक्ट्रिक सेल इन डिफरेंट वेज एंड सी इन विच केस द बल्ब ग्लो थिंग्स नीडेड एन इलेक्ट्रिक बल्ब एन इलेक्ट्रिक सेल्स प्लास्टिक कोटेड कॉपर वायर्स द प्लास्टिक कोटिंग एट द एंड एंड आर रिमूव्ड सो टू एग्जॉस्ट द बेयर कॉपर इंसुलेटिंग प्लास्टिक टेप एंड पेंसिल मेथड कनेक्ट एन इलेक्ट्रिक बल्ब विथ एन इलेक्ट्रिक सेल यूजिंग कॉपर वायर इन सिक्स डिफरेंट वे एंड ऑब्जर्व इन ईच केस वेदर द बल्ब ग्लो और नॉट. अभी इसमें क्या करेंगे हम दोबारा वैसे ही वायर को जोड़ लेंगे ये जल रहा है या नहीं जल रहा है. अरेंजमेंट वन एंड ऑफ द वायर इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल मेटल कैप ऑफ द सेल एंड द अदर इज ऑफ दिस वायर इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल. अब इसमें देख रहे हम ऑफ द सेल इफ द बोथ वायर आर इंटैक्ट यू ऑब्जर्व दैट बल्ब लाइट अप एज शोन इन फिगर. अब ये क्या कर रखा है लाइट कैसे जल रहा है वो बता रखे हैं कि सेल में हम क्या करें एक तो बेस को लगा दिया और इस तार को जब जुड़ा हुआ नहीं है तो ये क्या हुआ लाइट नहीं जल रही ये ब्रोकन हो रखा है यहाँ टूट रखा है तो ये जुड़ नहीं रखा है यहाँ भी जैसे टूट रखा है तो ये नहीं जुड़ रखा है. जहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल को जोड़ लेंगे हम जब जाके ये लाइट जलती है. थैंक यू.